नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। देखिए, बिहार का इकोनॉमिक सर्वे देख रहे थे हम लोग, पार्ट वन देख चुके थे। ठीक है, मैंने इसमें करीबन 25 पेज तक कर दिए थे अगर आपको याद हो। पार्ट टू इसमें आगे कर लेते हैं। और एक चीज़ आपको बतानी है कि बिहार का हमारा क्रैश कोर्स चल रहा है और आप उसको ले सकते हैं। 3000 रुपये में मोस्ट इंपॉर्टेंट PDF मिल जाएंगी, टोटल करंट अफेयर की भी, बिहार के करंट अफेयर की भी, बिहार GK की भी, और बिहार GK के जो फटाफट फैक्ट होते हैं उनके भी, और प्लस जो मेरी UPSC की टेस्ट सीरीज है वो किसी भी स्टेट PSC के लिए इम्पॉर्टेंट है। काफ़ी ज़्यादा फैक्चुअल चीज़ें उसमें मैंने बताई हुई हैं, वो भी आपको मिल जाएंगी सारी की सारी इसी में। प्लस मेरे पास कुछ इंपॉर्टेंट PDF हैं क्रैश कोर्स वालों को, अभी मैंने वो नहीं शेयर की हैं, एक दो दिन में वो भी, जो पुरानी मेरे पास काफ़ी हिस्ट्री हिस्ट्री की पड़ी हैं वो भी मैं शेयर कर दूंगा। ठीक है, यहाँ तक हम लोगों ने देख लिया था अगर आपको याद हो। ठीक है, अब इसमें क्या है, इसमें एनर्जी सेक्टर तक बात कर चुके थे कि बिहार में अगर आप देखें तो जो पावर इंस्टॉलेशन कैपेसिटी है काफ़ी बड़ी है। ठीक है, 2016-17 में 3769 हो गई थी। डेफिसिट अगर आप इसमें देखेंगे तो धीरे धीरे ये कम होता जा रहा है, और उसमें फिर बिहार में 24/7 यानी कि पूरे दिन जो इलेक्ट्रिसिटी आने वाला एम है वो कब तक यहाँ पे माना गया है, 2018 के एंड तक बोल रहे हैं कि ये पूरा करेंगे। ठीक है, पावर जो कैपेसिटी अवेलेबिलिटी अगर आप देखें 2017 में कितनी थी, करीबन 3904 थी। ठीक है, और टोटल कह रहे हैं कि अभी ये 2018-19 के एंड तक कितनी हो जाएगी, 5,500 MW तक हो जाएगी, तो ये इम्पोर्टेंट बात है। फिर कई सारे फंड वंड इसीलिए दिए गए हैं कि जो पावर की वहाँ पे डिमांड है उसको पूरा किया जा सके, और ये इसीलिए काफ़ी सारा यहाँ पे प्रयास चल रहा है। ठीक है, एक यहाँ पे चीज़ इम्पोर्टेंट, देखिए मैं यहाँ पे सिर्फ इम्पोर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ, टोटल जनरेशन कैपेसिटी 2017 मार्च के एंड पे कितनी थी, 3825 MW, और उसमें से 86% जो है वो क्या है, वो थर्मल पावर बेस्ड है यानी कि कोल बेस्ड थर्मल पावर से आ रही है, 9.7% ये हाइड्रो से आ रही है, और करीबन 3.9% रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज से आ रही है। अब इस पर एक क्वेश्चन ये बन सकता है कि बिहार में जो आपकी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है उसका सबसे बड़ा हिस्सा कहाँ से आता है, तो सबसे बड़ा हिस्सा कहाँ से आता है, थर्मल पावर से आता है, जो कोल बेस्ड थर्मल पावर है यहाँ से आता है। देख रहे हैं आप, 86.4% है ये। ठीक है, यही यहाँ पे मैंने इसीलिए जो है नोट करके लिखा हुआ है, मुख्यमंत्री विद्युत संबंध निश्चय योजना के तहत हर घर को बिजली मिलेगी, और यही सब चीज़ें यहाँ पे 7 निश्चय में भी यही बात बताई गई है। फिर देखिए, रूरल डेवलपमेंट की बड़ी एक इंपॉर्टेंट बात है कि पावर्टी रेशियो जो है बिहार में वो 2004-05 में कितना था, 54.4%। ठीक है, 2011-12 में कितना हो गया, 33.7%। तो ये काफ़ी बड़ा यहाँ पे ये मतलब ये इम्प्रूवमेंट हुआ है यहाँ पे। इंडिया में अगर इसी पीरियड में देखेंगे तो करीबन 15.3% पावर्टी जो है वो गिरी है, मतलब जो पावर्टी रेशियो है वो घटा है, और जो ये कितना हो गया है 2011-12 में, 21.9%। ठीक है, 21.9%, और बिहार में जो है वो इम्प्रूवमेंट काफ़ी ज़्यादा बेटर है। ठीक है, ये एक बात निकल के आती है यहाँ पे। और दूसरी बात यह है कि आप अगर यहाँ पे देखेंगे कि बिहार में जो रूरल एरिया है वहाँ पे पावर्टी ज़्यादा बढ़ी है एज़ कम्पेयर टू अर्बन एरिया से, तो यहाँ पे भी एक क्वेश्चन निकल के आपका आ सकता है कि एक स्टेटमेंट आपको दे देंगे कि जो अर्बन एरिया में पावर्टी है वो क्या रूरल एरिया से कम तेज़ी से घटी है या फिर रूरल एरिया वाली ज़्यादा तेज़ी से घटी है, ये वाला जो स्टेटमेंट यहाँ पे आ सकता है। ठीक है, और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि रूरल एरिया में अगर आप देखेंगे जो डिफरेंस है बिहार और इंडिया के बीच में वो 8.4% है, और अर्बन एरिया में कितना ज़्यादा परसेंट है, 17.5% का है। ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। एक जीविका करके जो है 10 सालों में बोला गया है कि इसमें आपको बहुत सारे इनिशिएटिव लिए जाएंगे, फोकस किया जाएगा कि सस्टेनेबल इंस्टीट्यूशंस बनाए जा सके सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से। ठीक है, उसमें विलेज ऑर्गेनाइजेशंस को, क्लस्टर फेडरेशन को इन्वॉल्व किया जाएगा। फिर उसके बाद ये देखिए, मनरेगा में बिहार का क्या परफॉर्मेंस रहा है उसके बारे में ये सब चीज़ें बताई गई हैं। हालांकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी एक बार बता दे रहा हूँ, पूरी चीज़ देख रहे हैं तो पूरा ही देख लें। जॉब कार्ड कितने इशू किए गए, 142.2 लाख हाउस होल्ड को, लेकिन आप ये समझिए कि देखिए सरकारें कितना बेवकूफ़ बनाती हैं, 16.4% लोगों को सिर्फ जॉब मिली है। ठीक है, आप ये देख रहे हैं, और इतने लोगों को जॉब कार्ड मिला तो, और उसमें भी केवल 0.6% ऐसे लोग हैं जिनको 100 डेज का एम्प्लॉयमेंट लिखा है मिला है। ये मतलब आप देखिए ये बात कि मनरेगा में बोलते हैं कि 100 दिन का रोजगार तो आपको गारंटी है, वो उसमें भी आप 0.6% लोगों को सिर्फ 100 दिन का रोजगार मिला है, तो ये एक थोड़ा सा मतलब ऐसा हास्यास्पद फैक्ट है कि सरकारें चाहे जितना भी क्लेम कर ले सारे एक जैसे ही हैं। टोटल एम्प्लॉयमेंट जो जनरेट हुआ था 2016-17 में 873.4 लाख परसेंट ये हुआ था, और यहाँ पे शेयर ऑफ वुमेन कितना था ये इंपॉर्टेंट बात है,
बिहार के मेंस और इंटरव्यू में पूछ सकते हैं आपका कि मनरेगा में कितना ये शेयर है वुमेन का, तो करीबन कितना है 43.9%। ठीक है, फिर ये प्रधानमंत्री, अच्छा ये बताइए कि इससे एक फैक्ट आपको याद आया, मनरेगा जो थी महात्मा गांधी नरेगा स्कीम, इसको पहली बात ये पहले नरेगा थी, अब फिर मनरेगा बनी, यानी कि महात्मा गांधी जोड़ दिया गया, ये किस डेट को किया गया था, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये स्टेट पीसेज में ऐसे फैक्ट जरूर आते हैं। और नरेगा किस डेट से इंप्लीमेंट हुआ जल्दी से बताइए कमेंट करके। फिर नेक्स्ट है इसमें प्रधानमंत्री जो आवास योजना ग्रामीण वाला कंपोनेंट है वो यही है कि सबको पक्का हाउस मिल जाएगा, और उसी लिए अगर आप देखें काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे करे जा रहे हैं, काफ़ी सारे पीडीएस जो है आपका पब्लिक डिलीवरी सिस्टम को और ज़्यादा मजबूत बनाया जा रहा है, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे इसमें इम्प्रूवमेंट हुआ है, ये देखिए इंपॉर्टेंट चीज़ है। बिहार पंचायत एक्ट 2016 के हिसाब से जो तीन टीयर है बिहार में पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस का, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस का लक्ष्मीकांत वाला पूरे चैप्टर की समरी मैं दे चुका हूँ अपने यूट्यूब वीडियोज़ में, आप पूरी लिस्ट देख लीजिएगा, ठीक है, समरी वाइज वहाँ पर मैंने बना रखी है। तो यहाँ पर क्या है, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस अगर आप थ्री टीयर बिहार का देखेंगे तो ग्राम पंचायत जो है वो लोवेस्ट लेवल पे है, ठीक है, और उसके ऊपर कौन है पंचायत समिति, ठीक है, ये ब्लॉक लेवल पे है, और सबसे ऊपर कौन है जिला परिषद, ठीक है, तो ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है, यही तो होता है शिक्षा, डिस्ट्रिक्ट पे जिला परिषद, पंचायत समिति ब्लॉक लेवल पे, और ग्राम पंचायत आपका लोकल लेवल पे। तो इसमें ये बोला गया है कि इनको फंड्स और दो, क्योंकि फंड नहीं दोगे तो वो लोग के जो काम होते हैं वो कैसे करेंगे, फंड का जो है वो क्रंच हर पूरे अगर आप देश में जितने भी पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस हैं सारी जगह सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम होती है कि उनके पास पैसे नहीं होते हैं और उनके पास बहुत सारे काम होते हैं, ठीक है, तो उनको अपने रिसोर्सेज जुटाने के लिए कई बार फाइनेंस कमीशन भी, अगर आपने देखा हो कभी फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट, उसमें वो हर बार ये रिकमेंडेशन होती है कि पंचायतों को जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस हैं यानी कि जो म्यूनिसिपैलिटी वाले इंस्टीट्यूशंस हैं, जो लोकल लेवल वाले इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको पैसे तो दो, वो काम कैसे करेंगे फिर। तो इसमें अगर आप देखें फिफ्थ स्टेट फाइनेंस कमीशन ने बोला है ये कि, अच्छा ये फिफ्थ स्टेट कमीशन फाइनेंस यहाँ पे आप देख सकते हैं बिहार का, ये कब से कब तक 2015-16 से लेके 2019-20 तक लिए, उसमें बोला है कि आप जो एक्सपेंडिचर है स्टेट का उसका 2.75% दो और 8.5% जो स्टेट का टैक्स रेवेन्यू है उसका दो, ठीक है, ये आपको करना ही पड़ेगा ट्रांसफर, ये इंपॉर्टेंट बात है। और इसमें अगर आप देखें तो डिस्ट्रीब्यूशन क्या रहा है कि ग्राम पंचायतों को 70% पैसा मिला है, पंचायत समिति को 10% और जिला परिषद को 20%। इसके लिए बजट एस्टीमेट भी बढ़ा दिए गए हैं, पहले करीबन 1000 था 2016-17 में, अब 2000 करोड़ हो गया है, ठीक है। फिर डिजास्टर वहाँ पे बिहार में कई सारे आते रहते हैं, उनके लिए भी काफ़ी सारा फंड यहाँ पे लोकेट किया गया है। और अगर आप देखें 2016-17 में 1700 करोड़ रुपये दिया गया है। यहाँ पे एक 15 साल का डिजास्टर रिस्क रिडक्शन रोड मैप बनाया गया है। अब इसमें एक प्री का क्वेश्चन निकल के आ सकता है कि बिहार ने कितने साल का डिजास्टर रिस्क रिडक्शन रोड मैप बनाया, तो 15 साल का बनाया है। उसके बाद बिहार ने एक रिसेंटली एक बिहार एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज ये भी अभी प्रिपेयर किया है, ठीक है, उसमें क्लाइमेट चेंज और प्लस 320 जो प्रायोरिटी एक्शन हैं 10 सेक्टर को कवर करते हुए सारा कुछ इसमें डिफाइन किया गया है, ठीक है। उसके लिए एक अगर आप देखें स्टेट एक्शन प्लान फॉर फाइनेंसिंग फ्रेमवर्क भी यहाँ पे प्रिपेयर किया गया था। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट बता रहा हूँ मैं यहाँ पे, ये प्रीलिम्स के लिए बड़े इंपॉर्टेंट है। अब देखिए यहाँ पे ये इकोनॉमिक सर्वे में लिखा हुआ है कि बिहार में अर्बनाइजेशन का लेवल क्या है, तो अगर आपसे ये पूछा गया कि बिहार की कितनी जनता जो है वो अर्बन है, वो कितनी है, 11.3%। ये एग्जैक्ट फैक्ट है यहाँ पे, ये एकदम ऑथेंटिक है क्योंकि बिहार के इकोनॉमिक सर्वे में आया है। और अगर मान लीजिए प्री में ये जो है, अगर मान लीजिए उन्होंने कुछ और आंसर दे दिया तो आप क्लेम भी कर सकते हो, तो ये ऑथेंटिक चीज है एकदम। नेशनल अगर आप देखेंगे अर्बनाइजेशन के लेवल का तो वो कितना है, 31.16 है, वैसे यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, लेकिन अगर आप 2018 वाली जो वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट देखेंगे उसके हिसाब से इंडिया 34% अर्बनाइज हो गया। ये तीनों चीज़ें याद रखिएगा, ठीक है, मैंने पहले भी बताया था, अभी लेटेस्ट मैंने अपडेट कर दिया है सब कुछ। और अर्बनाइजेशन का जो लेवल है 2001 से लेकर 2011 के बीच में अगर आप देखेंगे तो बहुत कम बढ़ा है, मतलब केवल 0.8% का इंक्रीमेंट हुआ है, जबकि पूरे इंडिया में देखें तो 3.4% का इंक्रीमेंट हुआ था। अर्बन डेवलपमेंट में भी काफ़ी ज़्यादा पैसे खर्चा कर रहे हैं, 28.9% यहाँ पे फंड बढ़ा दिया है फंड अर्बन के लिए। फिर इसके बाद है पक्की नाली योजना जो है यहाँ पे बिहार की, उसमें 2019-20 तक कितने जो है हाउस होल्ड जुड़ जाएंगे, करीबन 3.5 लाख। एक बार देख लीजिए, कहीं से भी उठा के पूछ सकते हैं लोग कुछ भी। उसके बाद अगर आप देखें तो म्यूनिसिपलिटी के पास भी फंड नहीं रहते हैं, उसके लिए म्यूनिसिपल बॉन्ड की भी चर्चाएं हो रही हैं, और यहाँ पे इनकम भी हुई है करीबन कितनी, 111 करोड़ के आसपास, तो उस पर भी मतलब फोकस यहाँ पे कर रहे हैं यहाँ पे। इसके बाद बैंकिंग और एलाइट सेक्टर की बात करें तो यहाँ पे जो है 6,500 मतलब 6,800 कुछ कमर्शियल बैंक थे,
और इनका जो परसेंटेज है, मतलब सबसे ज़्यादा बैंक कहाँ पे है बिहार में, वो रूरल एरिया में, गांव में सबसे ज़्यादा बैंक है। वैसे भी बिहार में आप समझ सकते हैं, आप 11% की आबादी केवल अर्बन है, तो फिर पूरा तो बिहार गांव ही गांव में बसता है ना, तो ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे डिपॉजिट में काफ़ी इंक्रीमेंट हुआ है, और एग्रीगेट डिपॉजिट बिहार का ये सब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए नहीं मैंने किया। प्रायोरिटी सेक्टर जो होता है उसमें 75% जो होता है, जो यहाँ का बैंक आपका वो एडवांस होगा, वो उसमें सबसे ज़्यादा क्या है, 48% तो एग्रीकल्चर है। ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे, ये ज़रूर याद रखिएगा, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद है, अगर आप देखेंगे कि, और ये केसीसी और ये सब इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए है कि आपने जो बिहार की गवर्नमेंट ने डेवलपमेंट में बहुत सारा पैसा खर्चा किया है, पर कैपिटा डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर को बढ़ा दिया है। 2011-12 में करीबन 1800 था, और अब हो गया करीबन 3800, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, बिहार ने हेल्थ के आउटकम में भी एक सिग्निफिकेंट काफ़ी प्रोग्रेस की है। नंबर जो है इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी की बहुत ज़्यादा बढ़ी है, मतलब जो घरों में प्रसव होता था वो नहीं हो रहा है आजकल, हॉस्पिटल में जाके करते हैं, वो गांव में बढ़ी है। ये सब चीज़ें चलती रहती हैं कि नहीं हॉस्पिटल नहीं जाएंगे, ऑपरेशन नहीं कराएंगे, सब चीज़ें भले जान चली जाए। उसके बाद है फिर लोहिया स्वच्छ भारत अभियान, ये स्टेट गवर्नमेंट का मिशन है, और किस चीज़ के लिए है ये, स्वच्छ भारत मिशन को ग्रामीण लेवल पे इम्प्लीमेंट करने के लिए, ठीक है। उसके लिए फिर ये बताया गया कि बिहार में इस समय, अब देखिए ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है यहाँ पे, ठीक है। ओवरऑल सैनिटेशन कवरेज बिहार का कितना है, 39.5%, मतलब 40% के आसपास है। अगर ये फैक्ट पूछा जाए तो याद रखिएगा। स्टेट ने अगर आप देखें यहाँ पे तो लिटरेसी रेट काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव किया है। 2001 में लिटरेसी रेट कितना था, 47% था, और इस समय कितना है, 61.8। इसको एग्जैक्टली ऐसे ही याद रखिएगा, ठीक है। ये पूछा जा सकता है लिटरेसी रेट बिहार का क्या है इस समय, 2011 के हिसाब से 61.8%। जेंडर गैप जो है एलिमेंट्री एजुकेशन में वो भी घटता जा रहा है, मतलब कि जो महिलाएं हैं उनको भी शिक्षा मिल रही है। 23 यूनिवर्सिटी है यहाँ पे स्टेट में, 22 ट्रेडिशनल है, एक ओपन यूनिवर्सिटी है, और स्कॉलरशिप में भी बहुत सारा फंड हुआ है, 738 करोड़, 33 लाख SC/ST स्टूडेंट को काफ़ी फायदा हुआ है। मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार जो ऋण योजना है उसमें भी 100 करोड़ रुपए अलॉट किए गए सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए। फिर उसके बाद मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजना, वुमेन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, इन्होंने बहुत सारे जो प्रोग्राम्स को इनिशिएट किया है ताकि जो है स्किल्स को, ट्रेनिंग को और ज़्यादा बढ़ाया जा सके। 23,000 ट्रेनीज को यहाँ पे एम्प्लॉय किया गया है, ठीक है, तो ये ट्रेन किया जा रहा है, सॉरी। उसके बाद जो बीड़ी के वहाँ पे वर्कर हैं उनको भी यहाँ पे स्कीम है कि 1.5 लाख रुपए दिया जाएगा ताकि वो अपना घर बनवा सके 3 इंस्टॉलमेंट में। तो ये कुछ होगा के बाद फिर बिहार, देखिए अभी इकोनॉमी का कुछ ओवरव्यू कर लेते हैं, ये चैप्टर वन है अभी तक, ये कुछ लेटेस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट चल रहे थे। अब इसमें अगर आप देखेंगे तो कुछ कुछ मैं जो मेन बातें बता रहा हूँ कि पहली बात तो ये कि GS GP जो है अब उसका बेस ईयर हो गया 2011-12, ये इंपॉर्टेंट बात है। उसके बाद फिर ये वाला तो हम कई बार देख चुके हैं कि लास्ट ईयर जो ग्रोथ थी बिहार की 2016-17 में 10.3% थी नए वाले आंकड़े के हिसाब से, ठीक है। और नेशनल अगर इकोनॉमी कितनी थी ग्रोथ, यानी कि इंडिया की 7%। उसके बाद अगर आप यहाँ पे देखें पावर्टी रेशियो 2004-05 से 54% से घट के आ गया 33.7%। अच्छा एक बात ये बताइए आप, ये मैं नहीं बताऊंगा यहाँ पे, पावर्टी सबसे ज़्यादा इंडिया में किस स्टेट में, जल्दी से बताइए कमेंट करके, स्टेट का नाम बताइए, मैं बता चुका हूँ। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे आई है कि 7 निश्चय हैं क्या। मान लीजिए आपको एक यहाँ पे क्वेश्चन दे दिया और उसमें पूछ लेंगे कि 7 निश्चय में चार कैटेगरी दे देंगे, बताइए इसमें से कौन सा 7 निश्चय में नहीं है। जो हमने बात की थी ना फाइनेंशियल फिजिकल डिसिप्लिन के लिए 7 रिजॉल्व्स की, जो पहले वाले पार्ट में उन्होंने बताया था, तो 7 निश्चय क्या क्या है कि वेलफेयर ऑफ यूथ, ठीक है, यूथ का वेलफेयर करेंगे, और वुमेन को एम्प्लॉय करेंगे, वुमेन एम्प्लॉयमेंट देंगे यहाँ पे, इलेक्ट्रिसिटी बांटेंगे सब, इलेक्ट्रिसिटी मतलब देंगे सारे जितने भी बिहार में लोग रहते हैं, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर देंगे, साफ पीने का पानी देंगे, रोड कनेक्टिविटी बढ़ाएंगे, टॉयलेट फैसिलिटी देंगे, और हायर टेक्निकल एजुकेशन को प्रोवाइड करेंगे, उसके लिए प्रोविजन बनाएंगे। तो 7 निश्चय जरूर याद रखिएगा, 7 निश्चय को रट लीजिएगा आप, जो मेंस दे रहे हो वो कहीं ना कहीं इसको फिट कर दीजिएगा, ठीक है। अगर बिहार के कॉन्टेक्स्ट में कोई क्वेश्चन आता है तो आप इसको अगर फिट कर देंगे कि अभी गवर्नमेंट ने 7 निश्चय ये यहाँ पे लिए हैं, और ये जो है किस किस चीज़ों पे फोकस करता है, यूथ पे फोकस कर रहा है, महिलाओं पे फोकस कर रहा है, इलेक्ट्रिसिटी पे फोकस कर रहा है, और आपका ड्रिंकिंग वाटर, रोड कनेक्टिविटी, इन सब चीज़ों पे फोकस कर रहा है, तो एक अच्छा यहाँ पे आंसर बन सकता है। या फिर आप अगर आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो भी आपसे ये पूछ सकते हैं, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे। उसके बाद इन्वेस्टमेंट यहाँ पे बढ़ाते जा रहे हैं अगर आप देखें, ताकि जो है ग्रोथ वो सस्टेनेबल होती रहे, बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। फिर ये देखिए डेमोग्राफिक अगर प्रोफाइल देखेंगे यहाँ पे, यहाँ पे जो चीज़ें लिखी हैं उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे इन लोगों ने टेबल बनाई है, ये बड़ी अच्छी टेबल है,
बहुत ज़्यादा जो डेटा यहाँ पे मिलता है। देखिए बिहार की पॉपुलेशन जो है, अगर आप देख जानते हो तो बिहार की पॉपुलेशन इंडिया में थर्ड नंबर पे है, ठीक है, यूपी और महाराष्ट्र के बाद। अगर 2011 के सेंसस की बात करें तो देखिए पॉपुलेशन बिहार की कितनी थी, ये करीबन थी 10 करोड़, 10.4 करोड़ समथिंग, और इंडिया की कितनी थी, 121 करोड़, ठीक है। बिहार का सेक्स रेशियो कितना था 2011 के हिसाब से, 918, यही फाइनल फैक्ट है, आप याद रख लीजिए। ये जो फैक्ट है ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बिल्कुल प्रीलिम्स में आ सकते हैं। तो बिहार का सेक्स रेशियो जो इंडिया के सेक्स रेशियो 943 से कम है, ठीक है। बिहार का चाइल्ड सेक्स रेशियो कितना था 2011 के हिसाब से, 935, जो कि इंडिया के सेक्स रेशियो चाइल्ड सेक्स रेशियो में काफ़ी ज़्यादा है, ये एक स्टेटमेंट बन सकता है, ठीक है। बिहार का सेक्स रेशियो तो कम है इंडिया से, लेकिन बिहार का चाइल्ड सेक्स रेशियो यानी कि 0 से 6 साल के जो बच्चे होते हैं उनमें लड़कियों की संख्या ज़्यादा है पर 1000। सेक्स रेशियो का क्या मतलब होता है कि 1000 जो पुरुष हैं उसमें कितनी महिलाएं हैं, और चाइल्ड सेक्स रेशियो का क्या मतलब हुआ कि यही जो पुरुष हैं वो 0 से 6 साल तक के होने चाहिए, 6 साल तक के बच्चे अगर 1000 होंगे उनमें कितनी बच्चियाँ होंगी, ये है इसका चाइल्ड सेक्स रेशियो का मतलब, सिंपल भाषा में अगर आप बात करें। अब देखिए बिहार की डेंसिटी कई जगह 1102 लिखी, वो गलत है, बिल्कुल एब्सोल्युटली गलत है वो, क्योंकि यहाँ पे अगर आप इकोनॉमिक सर्वे में डेटा देखेंगे तो 1106 है ये, ठीक है। तो बिहार की डेंसिटी है कितनी, 1106 है यहाँ पे, और बिहार ये इंडिया में सबसे ज़्यादा डेंस स्टेट है, नंबर टू पे वेस्ट बंगाल है। सबसे कम डेंस कौन है जल्दी से बताइए, कौन सा स्टेट है, अरुणाचल प्रदेश है, 17 है उसकी, ठीक है। इसका ये मतलब हुआ कि 1 किलोमीटर स्क्वायर अगर एरिया होगा तो बिहार में 1106 लोग रहते हैं और इंडिया में 382 है। अर्बनाइजेशन की बात करें, अगर बिहार में अर्बनाइजेशन का रेशियो है 11.3%, इंडिया में है 31.2%, या फिर 31.16 अगर एग्जैक्ट टू द पॉइंट बात करें, या फिर 2018 के हिसाब से बात करें तो ये 34% हो गया है। अगर 2018 की पॉपुलेशन के हिसाब से पूछा जाएगा तो 34% है। डिकेडल ग्रोथ जो है बिहार का 25% है, मतलब हर 10 साल में अभी 25% आबादी बढ़ रही है, इंडिया का 17.6% है। नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट बिहार में कितने, 38 है इस समय, इंडिया में 640 है 2011 के सेंसस के हिसाब से। ब्लॉक कितने हैं बिहार में, 534, इंडिया में 5924। टाउन कितने हैं, 199 और इंडिया में 8.5 हज़ार के करीबन है। नंबर ऑफ विलेजेस बिहार में 39,000 है और इंडिया में करीबन 6 लाख है, ये एक इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ कुछ बात बता रहे हैं कि जो डिकेडल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन के हिसाब से अगर आप देखें, बेस्ट परफॉर्मेंस किस डिस्ट्रिक्ट का रहा है, अरवल का, गोपालगंज का, दरभंगा का, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखें तो बिहार का टोटल डिकेडल ग्रोथ कितना है, वो 25% है, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखें तो इन्होंने 20% से भी कम डिकेडल ग्रोथ किया है, मतलब काफ़ी बेटर परफॉर्म किया है पॉपुलेशन के हिसाब से, कम आबादी बढ़ा रहे हैं यहाँ पे। और अगर आप सेक्स रेशियो के बारे में बात करें तो मुंगेर का है आपका 876, यहाँ से लेके गोपालगंज तक वेरी करता है, मतलब सेक्स रेशियो 876 से लेके 1021 तक है, ये इंपॉर्टेंट बात है। देखिए कुछ सेंसस के फैक्ट की बात कर लेते हैं यहाँ पे, और एक बात और बता दूँ आपको कि ऐसा नहीं कि मुझे पता है, क्योंकि मुझे बिहार विहार देना नहीं है, लेकिन यहाँ पे मेरे पास कुछ है स्टडी मटेरियल, मैं उससे पढ़ के बता रहा हूँ, ठीक है। तो ऐसा मैं कोई नॉलेजेबल नहीं हूँ, मुझे सब चीज़ मैं गूगल उगल इधर उधर से पढ़ के बस समझाता हूँ आपको, बस कुल मिला के। अब देखिए बिहार का मैंने आपको बताया कि जो लिटरेसी रेट है उस समय कितना है, 61.8% है, ये याद रखिएगा, ठीक है। और बिहार का जो अगर मेल लिटरेसी रेट पूछेंगे तो 71.2% है, और फीमेल लिटरेसी रेट कितना है, 51.5% है, ये तीन चीज़ याद रखिए। पहली बात, बिहार में नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट कितने हैं, 38 डिस्ट्रिक्ट है तो टोटल, ठीक है। बिहार की जनसंख्या कितनी है, 10.4 करोड़ है, उसमें से 5.4 करोड़ जो है वो पुरुष हैं और 4.98 करोड़ जो है वो महिलाएँ हैं। बिहार की जो है आपकी डिकेडल ग्रोथ है, मैंने आपको बताया करीबन 25% है, यानी कि टू द प्रिसाइज अगर एकदम बात करें तो 25.4%, छठवें नंबर पे है ये इंडिया में, ठीक है। बिहार में डेंसिटी वाइज मैंने आपको बताया 1106 लोग रहते हैं 1 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में, और 0 से 6 साल में अगर आप बच्चों की बात करें तो बिहार में करीबन कितने हैं, 1.91 करोड़ लोग हैं, बच्चे हैं मतलब, ठीक है। और इनका जो यहाँ पे दशकीय है, यहाँ पे अगर आप देखें तो ये भी करीबन है आपका 25.4%। तो ये कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। और सेक्स रेशियो मैंने आपको बता दिया, 918 सेक्स रेशियो है, अभी हमने सब डिस्कस किया था ये। अच्छा, ये बात कर रहे थे हम लोग कि ये एक बार देख लें कि बिहार में अगर डिस्ट्रिक्ट वाइज बात करें तो सबसे ज़्यादा जो आपकी पॉपुलेशन ग्रोथ कहाँ पे होती है, सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन ग्रोथ वाला जो है डिस्ट्रिक्ट वो है मधेपुरा, ठीक है, हिंदी में मधेपुरा नाम है इसका, 31.12% है। तो सबसे ज़्यादा ग्रोथ कहाँ पे हो रही है, मधेपुरा में, और सबसे कम ग्रोथ रेट कहाँ पे हो रही है, गोपालगंज में, ठीक है, गोपालगंज पहला, तो आप ये फैक्टर याद रखिएगा, ठीक है। दूसरा अगर आप बात करें कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या बिहार के किस जिले में है,
तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या है पटना में, ठीक है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा है ये पॉपुलेशन, करीबन 58 लाख पॉपुलेशन है। और सबसे कम जो यहाँ पे पॉपुलेशन बिहार में वो है शेखपुरा में, ठीक है, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, बस वही मैं आपको बता रहा हूँ। बिहार की डेंसिटी की अगर आप बात करें कि बिहार में सबसे ज़्यादा डेंसिटी है कहाँ पे, तो बिहार में सबसे ज़्यादा जो डेंसिटी है वो है शिवहर में, ठीक है, 1880 यहाँ पे डेंसिटी है। और सबसे कम बिहार की डेंसिटी कहाँ पे है, कैमूर में, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट बात है। उसके बाद अगर आप थोड़ी सी बात करें आगे कि यहाँ पे बिहार में लिटरेसी रेट जो है वो सबसे ज़्यादा किसका है, बिहार में लिटरेसी रेट है रोहतास का सबसे ज़्यादा, 73.37%। और सबसे कम लिटरेसी रेट कहाँ का है, पूर्णिया का है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात हो गई। उसके बाद बिहार में पुरुष जो लिटरेसी रेट यानी कि पुरुष साक्षरता जो दर है यानी कि मेल लिटरेसी रेट है वो सबसे ज़्यादा कहाँ का है, रोहतास का है, 82.88%। और जो यहाँ पे अगर आप देखेंगे सबसे कम पुरुष है कहाँ का, पुरुष लिटरेसी रेट वो है यानी कि पुरुष साक्षरता दर, सॉरी, पूर्णिया का है ये। और महिलाओं के लिए बात करें फीमेल लिटरेसी की, तो वो सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, वो भी रोहतास में ही है। तो रोहतास में मेल लिटरेसी भी है सबसे ज़्यादा, ये आप याद रखिएगा, ठीक है। ये देखिए इससे एक ट्रिक निकली कि रोहतास में लिटरेसी, टोटल लिटरेसी भी सबसे ज़्यादा है, मेल लिटरेसी भी सबसे ज़्यादा है और फीमेल लिटरेसी भी सबसे ज़्यादा रोहतास में ही है, ठीक है। और अगर आप बात करें कि सबसे कम जो लिटरेसी है वो पूर्णिया में सबसे कम है आपकी टोटल लिटरेसी, तो पूर्णिया काफ़ी मतलब पिछड़ा हुआ है, टोटल लिटरेसी में भी पूर्णिया सबसे कम है, मेल लिटरेसी में भी पूर्णिया सबसे कम है, ठीक है, टोटल में भी और मेल में भी। लेकिन फीमेल लिटरेसी में जो है सबसे कम कौन सा है, सहरसा। ये कुछ फैक्ट थे इम्पॉर्टेंट। उसके बाद अगर आप सेक्स रेशियो की बात करेंगे तो बिहार में आप अगर यहाँ पे बात करें, यहाँ पे देखिए सेक्स रेशियो तो यहीं पे लिखा हुआ है, मुंगेर का सबसे कम है बिहार का और गोपालगंज का सबसे ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा कितना है, 1021, तो ये इंपॉर्टेंट बात है, ये आप याद रखिएगा थोड़ा सा, ठीक है। और अगर आप और बात करें आगे कुछ, अर्बनाइजेशन सबसे ज़्यादा बिहार में कहाँ पे है, तो वो सबसे ज़्यादा है पटना में, ठीक है, पटना सबसे ज़्यादा अर्बनाइज यहाँ पे अगर आप देखेंगे डिस्ट्रिक्ट है यानी कि जिला है, यहाँ पे 43.07% अर्बनाइजेशन है। और सबसे कम कहाँ पे अर्बनाइजेशन वो है समस्तीपुर में, ठीक है, समस्तीपुर में है ये, करीबन 3.47% है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे आपको मैंने बता दिया बीच में। एक काम करिएगा, कोई एक अगर आप में से इतना थोड़ा सा कष्ट उठा सके, जितने भी मैंने फैक्ट बताए अगर एक कमेंट करके वो पूरे एक साथ लिख दे, पिंड कमेंट करने में बड़ी आसानी रहेगी, बाकी लोग भी पढ़ लेंगे, थोड़ा सा आप भी कॉपरेट किया करिए कई बार। तो सर्वाधिक जो नगरीय जनसंख्या कहाँ पे, पटना में याद रखिएगा। और अच्छा, ये तो मैंने अर्बनाइजेशन रेट बताया था, अगर अर्बनाइजेशन पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा जो अर्बनाइज है वो सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, एब्सोल्यूट पॉपुलेशन की बात करें वो भी पटना में ही है सबसे ज़्यादा, ठीक है, 25 लाख है करीबन यहाँ की जो नगरीय जनसंख्या। और सबसे कम जो पॉपुलेशन है एब्सोल्यूट पॉपुलेशन वो है शिवहर में, करीबन 28,000 है सिर्फ, ठीक है। बिहार में अगर आप शेड्यूल कास्ट की बात करें, अनुसूचित जाति की बात करें, तो बिहार की टोटल पॉपुलेशन का कितना परसेंट है ये SC, 15.9%, ये 2011 के सेंसस के हिसाब से है। SC मतलब कि शेड्यूल कास्ट, जो अनुसूचित जाति जिनको बोलते हैं, तो वो बिहार की पॉपुलेशन का 15.9% है टोटल, ठीक है। सबसे ज़्यादा जो SC की पॉपुलेशन है वो कहाँ पे पाई गई है, 2011 के सेंसस में गया में, ठीक है, 13 लाख SC की पॉपुलेशन। और सबसे कम जो है वो कहाँ पे पाई गई है, शिवहर में, ये इंपॉर्टेंट बात है। उसके बाद अगर आप देखेंगे यहाँ पे परसेंटेज वाइज सबसे ज़्यादा जो SC की पॉपुलेशन है वो भी गया में ही है, 30.39%। और परसेंटेज वाइज सबसे ज़्यादा, सबसे कम जो पॉपुलेशन है SC की वो है किशनगंज में, ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट हो गया। प्लस और अगर आप बात करें यहाँ पे अनुसूचित जनजाति यानी कि शेड्यूल्ड ट्राइब की, जो आप अगर देखें सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है पश्चिम चंपारण में, वेस्ट चंपारण में, ठीक है, ये एब्सोल्यूट पॉपुलेशन की बात कर रहा हूँ। और सबसे कम जो यहाँ पे ST की पॉपुलेशन है वो है शिवहर में, करीबन 318। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें थी कुछ जो मैंने आपको बताना थोड़ा सा ज़रूरी समझा बीच में। अगर आप बात करें बिहार में रिलीजन वाइज डेटा, तो बिहार का जो है आपका सबसे ज़्यादा मतलब रिलीजन वाइज अगर देखें, 82.69% यहाँ पे हिंदू हैं, और मुस्लिम जनसंख्या 16.87% है, ईसाई जनसंख्या 0.12% है, सिख बौद्ध जैन और ये सब कितने हैं, 0.02% है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कुछ कुछ, तो ये बीच में मैंने बता दिया आपको, थोड़ा सा याद रखिएगा इसको, कोई पिंड में अगर मेरे जितने पूरे वीडियो के कंप्लीट होने के बाद कोई पिंड में बता सके तो बड़ा अच्छा रहेगा। स्टेट की ये बताया, GSDP अगर आप देखें 2016-17 में 3.32 लाख करोड़ थी, पर कैपिटा इनकम यहाँ पे 29,000 के आसपास है, कॉन्स्टेंट रेट में है,
करंट रेट में थोड़ी ज़्यादा हो गई, 4.38 लाख करोड़, और पर कैपिटा हो गई 338,000। ग्रोथ जो है अगर आपका देखा जाए 2004 से लेकर 2014-15 तक स्टेट इनकम कैसे कांस्टेंट प्राइस पे करीबन 10.1% बढ़ी है। इमीडिएट पास्ट की बात करें तो आपका 2015-16 में बिहार की ग्रोथ थी 7.5%, 2016-17 में 10.3% है, इंडिया की ग्रोथ से भी ज़्यादा है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, मैं कई बार बता चुका हूँ ये। 4.9% ग्रोथ थी अगर पिछले करीबन 4-5 साल की बात करें, 2011-12 से लेके 15-16 तक, ठीक है। इसमें सबसे ज़्यादा जो ग्रोथ कहाँ से आई है ये इंपॉर्टेंट बात है कि जो ड्राइवर्स हैं बिहार की इकोनॉमी को ग्रोथ करने में, सबसे ज़्यादा ग्रोथ कहाँ से आ रही है, माइनिंग क्वेरिंग में देखिए 67.5% है, मैन्युफैक्चरिंग में 25.9% है, ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन में 13.5% और सर्विसेज में, फिनेंशियल सर्विसेज में 10.1% है। ये सभी ऐसे सेक्टर हैं जहाँ पे 10% से ज़्यादा ग्रोथ हुई है। अब देखिए ये सेक्टोरल अगर आप ग्रोथ रेट देखेंगे जीएसडीपी की कैसे कैसे हुई, देखिए ये जो है ये ईयर दिया हुआ है 2015-16, 2016-17, और फिर यहाँ पे पिछले करीबन 2011-12 से लेके आपका 12-13-14-15 4 सालों की मतलब जो बात कर रहे हैं कि क्या ग्रोथ रेट रही। तो प्राइमरी में अगर आप देखें लेटेस्ट डेटा, दो लेटेस्ट डेटा 2016-17 का मानेंगे, ठीक है, प्राइमरी में कितनी ग्रोथ हुई है करंट प्राइस पे 13.9 और कॉन्स्टेंट पे 6.6%, ये एक इम्पॉर्टेंट बात है। और बाकी पिछले 5 सालों में अगर आप देखें तो प्राइमरी सेक्टर की जो ग्रोथ है कॉन्स्टेंट प्राइस में एक्चुअली घटी है, फिर सेकेंडरी में, अब देखिए इसमें एक चीज़ और आती है कि प्राइमरी सेक्टर में आता क्या क्या है। प्राइमरी सेक्टर में देखिए एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट और फिशिंग आती है, क्रॉप आता है, लाइव स्टॉक आता है, फॉरेस्ट्री आती है, फिशिंग, माइनिंग और क्वेरिंग। देखिए ये जो इकोनॉमिक सर्वे होता है ना, इसको पढ़ने का एक नज़रिया पता होना चाहिए, मतलब मैं इससे इतनी सारी चीज़ें निकाल लेता हूँ कि अगर आप देखिए मान लीजिए यही पूछ लिया गया कि प्राइमरी सेक्टर में क्या क्या सेक्टर आते हैं, प्राइमरी सेक्टर में वो सारे सेक्टर आते हैं जहाँ से हम नेचर को डायरेक्टली एक्सट्रैक्ट करके कुछ काम कर रहे हैं। एग्रीकल्चर में आपने क्या किया, जमीन में कुछ भी क्रॉपिंग कर दी, कुछ फसल उगा दी, तो आप जमीन से डायरेक्टली नेचर से एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो क्रॉप वाला जो हो गया प्राइमरी एक्टिविटी हो गया, लाइव स्टॉक वाला हो गया आपका, फिशिंग और ये फॉरेस्ट्री, माइनिंग, ये सारी सारी चीज़ें प्राइमरी सेक्टर में आती हैं, ये एक इंपॉर्टेंट बात है। सेकेंडरी में क्या क्या आती है, मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शन, ये सब, इलेक्ट्रिसिटी, ये सब चीज़ें, और मतलब कि जो चीज़ मान लीजिए आपने आटा, जो गेहूं है, गेहूं को पहले उगाया तो ये एक्टिविटी हो गई प्राइमरी, लेकिन अब गेहूं से बना आटा और आटे से बना बिस्कुट तो ये जो है ये मैन्युफैक्चरिंग की एक्टिविटी हो गई, यानी कि इसमें पूरा आपने मैन्युफैक्चरिंग की और ये सेकेंडरी एक्टिविटी। लेकिन गेहूं आपको अब लाना है आपको शहर तक, वहाँ मिल तक ले जाना है, पिसाना है उसको, ये इन सब में ट्रांसपोर्टेशन लगी, लोन लेना पड़ा, ये सब आ गई टर्शियरी एक्टिविटी में, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, टर्शरी में देखिए क्या क्या आ गया, रेलवे, रोड, ये सब चीज़ें जितना भी जो आपने प्राइमरी से सेकेंडरी में कन्वर्ट करने में यूज़ की, तो अगर आप देखेंगे टर्शरी की ग्रोथ है वो सबसे ज़्यादा है यहाँ पे, ठीक है, टर्शरी की ग्रोथ सबसे ज़्यादा है। और बिहार का अगर आप देखें तो 2016-17 में 10.3% है, उसमें जो टर्शरी सेक्टर की ग्रोथ है 14.5% है, और यहाँ पे सेकेंडरी सेक्टर की आप देख रहे हैं यहाँ ग्रोथ 2016-17 में ये निगेटिव हो गई है, बल्कि -0.2 हो गई है, यही वाला मान रहे कॉन्स्टेंट प्राइस वाला, ठीक है। और प्राइमरी सेक्टर की भी पहले से अगर आप देखें तो बढ़ी है 2015-16 के कंपैरिजन में, ठीक है, और 15-16 के कंपैरिजन में सेकेंडरी तो गिर गई है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। मैन्युफैक्चरिंग भी गिरी है, ये पूछ सकते हैं अगर आपको कि कहीं भी तो पूछ ही सकते हैं ये, ठीक है। टर्शरी सेक्टर की बात करें तो टर्शरी सेक्टर की ग्रोथ भी टर्शरी सेक्टर की बढ़ी है, मतलब कुल मिला के ये इस डेटा का इंटरप्रिटेशन था जो इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने बता दी। फिर यहाँ पे दिया हुआ है कुछ मेजर स्टेट दिए गए, इनकी आपको पर कैपिटा जो इनकम है उसको कंपैरिजन यहाँ पे दिखाया गया है। बिहार का ये देख लीजिए, बिहार का अगर आप देखें तो 2016-17 में भी मतलब कोई खास बढ़ोतरी नहीं हुई, 2011-12 देख रहे हैं 21,000-22,000 थी, अभी भी 26,000 है, सरकारें पता नहीं क्या कर रही हैं बिहार की। वैसे यूपी में भी ऐसा कुछ नहीं हुआ है, यूपी में अगर आप देखें 32,000 थी 2011-12 में और अभी भी 39,000 ही है, देख रहे हैं आप ये। अब आप ये देखिए, देखिए तमिलनाडु की कितनी है 1 लाख से ज़्यादा, पंजाब की कितनी 1 लाख से ज़्यादा, ठीक है, कर्नाटक की है 1,20,000 से ज़्यादा, हरियाणा की 1,40,000 से ज़्यादा। तो ये जो पर कैपिटा इनकम है ये मतलब बिहार और ये बीमारू जितने भी स्टेट है नहीं बढ़ती है। अच्छा पर कैपिटा इनकम में जल्दी से बताइए, अब तक तो आपको पता ही चल गया होगा सबसे ज़्यादा किसी स्टेट की है और सबसे कम किसी स्टेट की है, मैक्सिमम मिनिमम जल्दी से बताइए कमेंट करके। ये सब यहाँ पे बताया गया है और यहाँ तक ही मैंने किया था, अब आगे थर्ड पार्ट में करते हैं। थैंक यू फॉर लिसनिंग, प्लीज़ टू लाइक एंड शेयर, और एक बात और है कि हमारा जो ये चैनल है इसको जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए टेलीग्राम में ये वाला जो चैनल है इसको जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, कोई भी वीडियो आता है उसका नोटिफिकेशन यूट्यूब में नहीं आ पाएगा तो यहाँ जरूर आपको मिलेगा। और बिहार जीके के लिए भी एक हमारा चैनल है, उसमें सिर्फ बिहार जीके अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो उसमें आपको ये मिल जाएगा।
ये वाला जो है बिहार जीके वाला चैनल, इसको ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। ऑल द बेस्ट है सबको, कोशिश करेंगे बीपीएससी प्रीलिम से पहले ही पूरा कंप्लीट करने की, और मेंस और इंटरव्यू सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। बिहार क्रैश कोर्स आप ले सकते हैं, 7838692618 मेरा टेलीग्राम और व्हाट्सएप का नंबर है, इसी में इंक्वायरी कर सकते हैं। सारी इंपॉर्टेंट समरी पीडीएफ मिल जाएंगी आज और कल में, कल मैं और कुछ पीडीएफ दूंगा पुरानी वाली, मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके की।